बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। आज 9 नवंबर 2020 और पीर का दिन। बढ़ते हैं पहले मैसेज की जानिब, देखते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज क्या है और वो क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, एक मसला है सर, एक विजन बच रही है, जी इसको इंफेक्शन के लिए यूट्रस फ्लोर, दो यूट्रस फ्लोर, एक आज और एक कल पास किया। अच्छा, इसके अलावा जेंटामाइसिन और एमॉक्सिसिलिन भी यूज किया। अच्छा, इसके अलावा पीपीएस भी यूज किया और एक हिट को जाया किया, जी वो जो यूट्रस फ्लोर के बाद जो हीट है उसको भी जाया किया। ठीक। इसके बाद हीट में जब आई तो 4 cc डर्मालिन लगाया और इसके बाद AI किया, ठीक फिर कल एक नॉर्मल सा बुल था, इससे भी क्रॉस किया। ठीक। फिर बुल क्रॉस करने के बाद तकरीबन मुकम्मल 24 घंटे बाद इसने खून फेंकना शुरू किया। हाँ, अभी वो खून फेंकती है, इन्हें कल भी खून फेंक गया, अभी खून फेंकती है जी थोड़ा थोड़ा सा। ठीक। तो सर जरा रहनुमाई करें कि क्या मसला है। अब दूसरी बात ये सर, अगर इन्फेक्शन है तो शायद इसको 2-3 घंटे या 4-5-7-8-9-10 घंटे बाद खून फेंकना था, चाहिए। हाँ लेकिन उसने जो खून फेंकना शुरू किया तो 24 घंटे बाद शुरू किया। ठीक है। सर ये एमरियो का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हाँ करता है, बिल्कुल। या इसमें कोई दोबारा इंफेक्शन पैदा हुआ, या मजीद रहनुमाई फरमाए सर। थैंक यू। मेरी जान, ये एक बीमारी है, ये जो खून उसके बाद अभी खत्म फेंक रही है, जूं ही ये खून बंद होगा वो दिन आपने नोट कर लेना है। फर्ज करें आज है पीर, मंडे, मंडे को इसने बंद कर दिया खून जो फेंका है अभी, अगले एग्जैक्ट एक दिन पहले, यानी मंडे से पहले क्या आता है, संडे, संडे को आपने डेलमाजीन का इसको इंजेक्शन लगा देना है 2 cc का। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जू ही हीट में आती है तो उसके 12 घंटे बाद आपने इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए या बुल के जरिए आपने फिर इसका क्रास वगैरह वो करा ले, और उससे 1 घंटा पहले डेलमार्लिन का इंजेक्शन वो भी लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। और जूं ही क्रास करा लें या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए स्पर्म्स जब रखेंगे तो फौरन बाद 1 लीटर दूध पानी में कोई 100 ग्राम जौखार या 50 ग्राम कर लें, बिस्मिल्लाह, गाय फ्रीजियन है, 50 भैंस के लिए थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, आप 50 ग्राम इसमें जौखार डाल लें, 2 जो टिकियां होती हैं मुश्कपूर की या काफूर की वो डाल लें, और 50 ग्राम ही कलमी शोरा डाल लें, और 1 पाव यानी 250 ग्राम उसमें मेहंदी या हिना जो होती है वो डाल के इसको पिला दें, ड्रेंचिंग गन से पिलाएं, वो तो खैर आप समझते ही हैं, ताकि इसको ड्रेंचिंग ना हो। इंशाल्लाह
अल्लाह के रब्बुल अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें फीमान अल्लाह।